में हुआ फिल्म हाजी तो फ्रासी का प्रमोशन। दिल्ली में फिल्म प्रमोट करने आई परिणीति और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री इस प्रमोशन में काफी हटके नजर आई। दिल्ली में हुआ फिल्म हसी तो फसी का प्रमोशन। परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैंस से की फिल्म देखने की गुजारिश। 5 days left, please देख लीजिए, 7th of February, कोई तो चले जाए। चले जाएंगे और हम तो यही कहेंगे, बच्चा कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अभी होगा ना, मुझसे ही इंस्पायर हुआ मैं, बहुत बड़ी ड्रामा कोई नो। दिल्ली में हसी तो फसी को प्रमोट करने आए सिद्धार्थ और परिणीति वैसे एक दूसरे को कॉपी करते भी दिखे। मैं अगर एक्टिंग नहीं होता तो मैं दिल्ली में किसी बैंक में काम कर रहा था। भाई की तरह MBA करके कुछ ऑड सा काम कर रहा था। मैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर होती। मेरे तो पूरी जिंदगी का सपना था इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का, और मैं लंदन गई भी थी। तुम भी तो हम दोनों एक ही बैंक होते। डोंट कॉपी मी। से परिणीति के लिए ये रोल प्ले करना काफी चैलेंजिंग रहा। क्वाइट चैलेंजिंग। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव द प्रेशर कि नो लाइट जा रही है, फटाफट 3 घंटे में सीन शूट करना है, तो आई बेटर गेट इट इन माई क्लोज अप। कभी कभी ऐसा तो होता था इसका क्लोज अप चल रहा है और फिर मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता था, यू नो। सो माई पर्सनल प्रेशर ऑलवेज वॉज की I hope I do it properly when I have been given my turn. हसी तो फसी फिल्म 7 फरवरी को रिलीज हो रही है। हमारे रिपोर्टर चेतना भटनागर ने फिल्म की स्टार कास्ट से की इस फिल्म और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खास बातें। आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की है जो टूथपेस्ट खाती है, और एक ऐसा लड़का है जिसे ये नहीं पता कि उसको लाइफ में क्या करना है। और जब दो ऐसे लोग मिलते हैं तो बनता है रियल ड्रामा। तो परिणीति, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने क्या कभी टूथपेस्ट रियल लाइफ में खाया है? इस पिक्चर में टेक्स के लिए एंड एक्टिंग के लिए बहुत सारा टूथपेस्ट खाना है। मुझे लगता है मैं 1-2 ट्यूब तो खा गई होंगी इस पिक्चर की मेकिंग में, तो हाँ बहुत खाया। तो कुछ साइड इफेक्ट्स हुए टूथपेस्ट खाने के? हाँ, मैं बहुत फ्रेश थी हमेशा, ऑलवेज स्मेलिंग फ्रेश, फीलिंग फ्रेश, फ्रेश ब्रेथ। सिद्धार्थ, इस तरह की जो मेंटल लड़की होती है या उसको हैंडल करना या पटा पाना कितना मुश्किल होता है, और आपने क्या क्या किया उसको पटाने के? बहुत मुश्किल होता है। पिक्चर में देखेंगे, पहले तो इस ऐसी लड़की के अटेंशन स्पैन रखना कि जो टूथपेस्ट खा रही है, दो आप ऑर्डर कर रही है, या अपने साइंटिफिक फंडे मारती है, तो उसको पहले समझा के बातें करना वो मुश्किल काम है, क्योंकि अपनी बड़बड़ चलती रहती है पूरी पिक्चर में। एट द सेम टाइम आई थिंक वो लड़का भी कुछ ऐसे है, काफी रिलेट करता है इससे, क्योंकि लड़की थोड़ी टेढ़ी है, लड़का भी थोड़ा टेढ़ा है, तो उस लेवल पे कनेक्ट कर पाता है उससे कि यार हाँ तू भी थोड़ी ऐसी है, मैं भी ऐसा हूँ। तो आई थिंक एक लेवल पे प्यार उसी कनेक्शन से होता है, क्योंकि दोनों कितने टेढ़े हैं, तो हाँ लड़का भी इतना सीधा नहीं। रियल लाइफ में अब साइंटिस्ट होती और कुछ इन्वेंशन करना होता तो क्या बचा है जो आप करती? ये मुझे पता है, एक्चुअली मैंने बहुत सोचा है। मैं एक इनविजिबिलिटी क्लोक या इनविजिबिलिटी बटन, कुछ चीज जिससे मैं इनविजिबल हो जाऊं, मैं वो इन्वेंट करूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, तो मैं उनके घर में घुस के उनको बिना बताए तो मैं सारी गॉसिप मेरे पास होती। मतलब CID का काम भी आपका काम होना चाहती है, सारी गॉसिप लेके बनना चाहती हूँ। हैरी पॉटर क्लोक के साथ। लड़की को पसंद होता है एक लड़का उसको चेज करे, लेकिन आपने कभी किसी लड़के को चेज किया? हाँ, अगर मुझे वो मतलब पसंद था तो, और वो मुझे ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, तो हाँ मैंने चेज किया। कौन था, कब था, कहाँ मिला? मैं ये नहीं बता सकती, मेरे पापा ये इंटरव्यू देखेंगे। अच्छा। मैं नहीं बता सकती, लेकिन सिद्धार्थ तो बता ही सकते हैं। सिद्धार्थ, वैसे भी आपको लड़कियाँ घेरी लेती हैं आजकल जहाँ जाते हैं आप, चाहे कोई भी सिटी हो। आपने कौन सी लड़की है जिसे चेज किया? अपने स्कूल कॉलेज में काफी लड़कियों को, हर लड़की को चेज करना पड़ता है। ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आपके पास आ जाती है खुद। आई थिंक मेहनत बहुत करनी पड़ती है लड़कों को। नाम मैं बता नहीं रहता अभी, मैं मेरा मन कर रहा है कि इनविजिबिलिटी क्लोक लेके मैं गायब हो जाऊं, नाम ले लेंगे। पर ऑफकोर्स काफी रिलेशनशिप रहे, काफी लड़कियां रही इंटरेस्टिंग से, बट उससे ज्यादा